हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि हमने आपका कल से मैथ का स्टार्ट किया है सेशन, ठीक है, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था हमारा प्रतिशतता से, कहा जाए परसेंटेज से। तो परसेंटेज के हमने आपको 16 क्वेश्चन करवा दिए थे, और जो क्वेश्चन नंबर 17 आप ये देख रहे हैं ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं किया होगा जिन लोगों ने या फिर जिनको समझ में नहीं आया या जिन्होंने करने का प्रयास किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आंसर हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। बाकी हम बता देते हैं किसको करना कैसे, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है कि 675 साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो 675 हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, टी हो जाएगा हमारा टाइम, कितना 4 वर्ष। ब्याज दिया है तो ये ब्याज नहीं दिया है, देखो 675 से 837 हो रहा, इतना ज़्यादा ब्याज तो होगा ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ब्याज होगा साथ ही साथ आपका मूलधन होगा, यानी कि ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है मिश्रधन, क्या दिया है मिश्रधन। तो यहाँ से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका 837 माइनस पी, यही तो हो जाएगा, अरे पी इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आपको पक्षांतर करना आता है, और जिनको नहीं आता तो वो समझ लीजिए, देखो आई प्लस पी बराबर कितना था 837, और ये प्लस की चीज़ है, अगर इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आई बराबर आप क्या लिख सकते हो, अब आई बराबर 837 माइनस पी, इतना समझ में आ गया ना, बस इसी की वैल्यू उठा के हमारे फॉर्मूले में रखनी थी, तो फॉर्मूले रख दो, तो फॉर्मूले में रखते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि बरसात हो रही है पिछले कितने घंटों से कम 15 घंटों से लगातार हो रही है, यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो PRT/100 लगाएंगे, तो 675 पी, आर कितना दिया है, आर हमारा इसमें दिया नहीं है, तो आर मान लो, आर समय कितना दिया, समय दिया है 4 वर्ष बटे में 100, और ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 837, तो 837 माइनस पी मतलब 675, तो 837 में ऐसे जब आप कितने 675 घटाओगे तो देख लो 837 और 675 इसमें से घटा दो, जितना है 7 में से 5 गए 2, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे 162, बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आपका R निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो R आया है, अब वो क्या कह रहा है, आगे वाली लाइन पढ़ो, देखो यदि ब्याज की दर 2% कम कर दी जाए तो जो आपका R आएगा, अब उसमें से आपको क्या करना है, 2 आपको घटा देना है, ठीक है। और बस 2 घटा के जो हमारा नया R आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा R1, यहाँ से P दिया है इतना, T दिया है इतना, बस नया इंटरेस्ट निकालना था, तो आप निकाल सकते हो, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो आपके लिए होमवर्क था, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, करने की कोशिश कीजिएगा वरना फिर हम बताएंगे। कमला एक बैंक में 8000 रुपये की, मतलब 8000 रुपये जमा करती है, 3 वर्षों बाद 9200 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। पहले में क्या हुआ था, 2% यहाँ पे क्या हुआ था, कम हुआ था, यानी कि माइनस किया था हम लोगों ने, आर में से माइनस 2 किया था। यहाँ पे क्या करोगे, आर प्लस 2 करोगे, और हमारा मिश्रधन निकल आएगा। इसको करने की कोशिश करो, थोड़ा समय देते हैं फिर हम करेंगे इसको। आई थिंक हो गया होगा, जिन लोगों का नहीं हुआ हो तो देख लीजिए, हम बताते हैं। तो पी, पी कितना दिया है 8000, आर कितना है निकालना है, टी कितना दिया 3/100, बराबर क्या होता है, PRT/100 बराबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया 9200, तो 9200 में से जब 8000 घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1200, क्या आ जाएगा 1200। काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटेंगे तो 4 के 12 40, और 8 से 8 5 40, तो आर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, आर कितना आ गया 5। अब वो कह रहा है 2% बढ़ गया है, तो पहले तो 5 था ही, 2% बढ़ा दिया है, मतलब इसमें क्या करना है, 5+2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7, तो नया आर क्या आ गया 7, बस वैल्यू पुट कर दो किसमें, इसी में, देखो 8000 पी, आर कितना 7, 3 वर्षों के लिए बटे में 100, यही निकालना था, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 21, 21 × 8, 8 × 8, 8 × 2 = 16, यानी 16,080 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 1680, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप हो जाएगा 10, नया टाइप आपके लिए, और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, किस वार्षिक प्रतिशत की दर पर, यहाँ पे क्या है आर निकालना है, 5 वर्षों का ये क्या दिया है, टी दिया है, साधारण वर्ष का मिश्रधन 5/25 होगा, तो साधारण ब्याज का मिश्रधन
ये क्या दिया है, मिश्र धन। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज मिश्र धन का, क्या साधारण ब्याज मिश्र धन का। तो देखो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, आई होता है। मिश्र धन क्या होता है हमारा, ए होता है, ठीक है। और ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई। ए बराबर क्या होता है हमारा, पी प्लस आई। और यहाँ से आई क्या निकाल सकते हो, पी इस तरफ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, ठीक है। और आई बराबर कितना दिया, साधारण ब्याज मिश्र धन का। तो साधारण ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन क्या है, ए का 5/25, 5/25 बराबर ए माइनस पी, ठीक है। ए काटोगे तो 5 से 25 कट जाएगा, तो ए बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ए माइनस का है, यहाँ पे प्लस में है, तो ए वाले एक तरफ खिसका दो, इस वाले चले जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी। सॉल्व करोगे तो ए में से 5 ए गए, तो हो जाएगा 4a/5 माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि पी बराबर कितना आ गया, इतना। समझ में आया। इसके बाद अगर करो कि पी की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू दी थी हमारी, और यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो आ गई 4a/5, इसमें रख दो, तो आई बराबर ए माइनस 4a/5। इसका सलासा पर ले लोगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए, ए बटे 5। देखो आई की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, टी इसमें दिया था कितना, 5 वर्ष, निकालना था आर। सबकी वैल्यू रख दो, किस में वैल्यू रखेंगे हमारे, वही फॉर्मूला पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 बराबर आई। रखते हैं वैल्यू, देखो एक एक करके रखेंगे। पी कितना दिया था, देखो यहाँ पे पी दिया है इतना, 4a/5 रख दो, 4a/5। आर निकालना है जैसे कहते ऐसा, टी दिया था 5 वर्ष/100। आई देखो आई कितना दिया गया था, आई आया था अपना a/5, तो यहाँ पे a/5 रख दो। ऊपर का ऊपर कटेगा, नीचे का नीचे कटेगा, तो ऊपर ए है, यहाँ पे भी ए है, कट गया। और कुछ कट रहेगा, 5 से 5 कट गया, 4 से 100 कटेगा, कितने बार, 25 बार। ए नीचे है, इस तरफ ऊपर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 25/5, और ये भी कट जाएगा 5 बार, यानी कि आर हमारा कितना आ गया, 5%। समझ में आया, आर कितना आ गया हमारा, 5%। कुछ नहीं किया है, सिर्फ वही अपना एक फॉर्मूला है मिश्रधन वाला ए है, यही फॉर्मूला, ठीक है। और PRT/100 अपना हर क्वेश्चन में लगना है। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो फिर से देख लीजिएगा, या फिर अगला क्वेश्चन करेंगे वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहा, करने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, वरना फिर हम बताएंगे। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर पर किसी राशि का 6 वर्षों में मिश्र धन इतना होगा। तो इसमें राशि नहीं दी है, लेकिन सीधा सीधा दिया है कि साधारण ब्याज मिश्र धन का, ठीक है, तो वही लगाएंगे हम। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी प्लस आई, और आई कितना दिया है, साधारण ब्याज मिश्र धन का, तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हो, मिश्र धन का 4/20। काटोगे 4/20 को, कितना आ जाएगा, 1/5। तो क्या लिख सकते हो, ए बराबर पी प्लस ए बटे 5। ए इस तरफ है, ए इस तरफ है, इसको इस तरफ ले जाओ, जब ये यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे, तो इस तरफ जाएगा, मत माइनस में हो जाएगा, ए माइनस ए बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी। लासा पर लोगे तो क्या हो जाएगा, 4a/5 बराबर पी। पी ए निकल के आ गया। आई कहाँ से निकालोगे, आई यहाँ से निकालोगे, यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई बराबर ए माइनस पी, और पी कितना निकल के आ गया नीचे, 4a/5 रख दो, ए माइनस 4a/5 बराबर आई। लासा पालोगे, 5 में से 4 ये बचाएगा, ए बटे 5 बराबर कितना आ गया, आई। देखो आई निकल के आ गया, पी निकल के आ गया, और क्वेश्चन में हमारा टी दिया था 6, आर निकालना है, ये हमारा टी है, आई नहीं है, टी, और यहाँ पे हमारा आर निकालना है। वही एक फॉर्मूला, क्या, PRT/100, PRT/100 बराबर आई, इसमें रख दो सबकी वैल्यू। तो देखो सबसे पहले पी की वैल्यू, पी की वैल्यू यहाँ पे है 4a/5, तो 4a/5 आर निकालना है। टी कितना दिया है, टी देखो टी दिया है, यहाँ पे दिया है टी कितना, 6 वर्ष। आई कितना दिया है, आई, आई यहाँ से निकला, 1/5 रख दो, 1/5 बटे में 100 तो भूल ही गए, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। नीचे काट दो, 5 से 5 कट जाएगा, और कुछ ए से ए कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 100 ऊपर पहुंचा दो, 100 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ से 4 आ जाएगा बराबर आर, ये हमारा आर निकल के आ गया। काटा पिटी कर लोगे, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25/6 हमारा आंसर,
भाग कर लेना, आप लोगों के सामने प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। 25/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर की वैल्यू। समझ में आई? बहुत ईजी है, जब आप, हमने तो समझाया है इसीलिए आपको इतना मतलब क्लियर किया है कि ऐसे लासा पर निकालना है, वरना आप करोगे तो आपका तो जल्दी निकला जाएगा, ठीक है। आराम से देखना पुश करके, या फिर से देख लेना एक बार, क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिएगा वरना फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक से हैं, अगर 21 आपको आ गया तो 22 आ ही जाएगा, और अगर नहीं आता है तो 21 हम बता देंगे, 22 में आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 माह में स्वयं का इतना हो जाता है, ठीक है। तो देखो राशि मान लो x, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा मिश्र धन ए, और ए कितना हो रहा है 41/40 स्वयं का तो इंटू एक्स, ठीक है। ए हमारा पी था, ए हमारा ए था, ए हमारा पी था। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी प्लस आई। आई निकाल सकते हो कैसे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 41/40 एक्स, पी क्या है एक्स प्लस आई, एक्स प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 41/40 एक्स माइनस एक्स बराबर आई। जब ऐसे सॉल्व करोगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स बटे 40 बराबर आई। इसको शॉर्ट करने का भी हम तरीका बताएंगे आपको, शॉर्ट करने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है। आई निकल के आ गया, पी हमारा ये दिया ही है, और क्या है, क्या दिया है, समय दिया है हमारा टी, आर निकालना था, बहुत ईजी हो गया अब तो, क्या पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 बराबर 100 रखेंगे, पी की वैल्यू एक्स रख दो भैया एक्स, आर निकालना है, टी कितना दिया है, टी देखो 3 माह दिया है शायद 3 माह, और 3 को जब वर्षों में बदल दोगे 3/12 कर दोगे, बटे में 100 करोगे, और आई, आई कितना दिया है देखो यहाँ से निकल के आया हो एक्स बटे चालीस काटा पीटी कर दो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 से 4 कटेगा, 4 से 10 बार कटेगा, और 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 ऊपर सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 10%, क्या आ जाएगा 10%। ये तो हो गया लॉन्ग वे, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। अब इसका शॉर्ट करने का हम तरीका बता दे रहे हैं, क्या शॉर्ट करने का, कि आप डायरेक्ट आई निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो देखिएगा, इन सबको हटाते हैं, ठीक है, चलो हटाते हैं, करते हैं अपना, ध्यान से देखो, ये 40 से 41 हो रहा, क्या हो रहा 40 से 41, अगर आप 40 से 41 हो रहा, 40 से 41, तो देखो 40 हमारा मूलधन था, 41 हो जा रहा है तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा, यहाँ से भी आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, अरे 40 से 41 हो रहा तो हम कहें कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा ब्याज, मूलधन कितना हो जाएगा 40, सीधा सीधा रख दो, सीधा सीधा कितने, बस समय देखना कितना है 3 माह रखते हैं, पी बराबर 40, आर निकालना है, समय 3/12/100, और इंटरेस्ट कितना निकला 1, अरे आई निकला कर ना हमारा 1 ही तो निकला, तो इसमें 1 रख दो, सीधा सीधा काट दो, 3 चौके 12, 4 से 4 10 बार, 1 0 से 1 0, और आर सीधा सीधा कितना निकल गया, इस 10 का गुणा, ए सॉरी 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 क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे था 100 और यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है, काटते हैं तो काटा था हमने 3 चौके 12, यहाँ से 4, और 4 से यहाँ से कटा था ये 10 बार, 1 0 से 1 0 कटा था, और 1 का जब गुणा करोगे 10 में तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10, सीधा सीधा हमारा आंसर। समझ में आया, वैसे करना हो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे करना हो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको करना हो, ठीक है। वैसे ये वाला अप्रोच करोगे तो ये वाले में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करिएगा, पहले वाले मेथड से भी और इस वाले मेथड से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा, 22वां करने की कोशिश करो आप, जैसे हमने जो दूसरा तरीका बताया उससे करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा, चलिए करते हैं। तो देखो 44 से 40 हो रहा है, यानी कि 40 से कितना हो रहा है हमारा 44, तो 40 से 44 यानी कि 40 से कितना 4 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा ब्याज, रखो सीधा सीधा, सीधा सीधा पी, पी कितना दिया 40, आर निकालना है, समय दिया 4 माह, तो 4/12 साल में बदल देंगे, बटे में 100 किए जाते हैं, और ब्याज कितना था हमारा 4, काटते हैं इसको, 4 से 4 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 3 कट जाएगा, और 3 का गुणा जब 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 से यहाँ पे 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आर बराबर 30% हमारा आंसर। समझ में आया, वैसे करना हो वैसे भी कर सकते हो, उसमें लंबा हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट तरीका है, ठीक है, आया समझ में।
आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है। अगर आ रहा हो समझ में तो कमेंट करते जाइएगा, अपना आंसर मिलाते जाइएगा। बढ़ते हैं टाइप 12 पर। टाइप 12 पर क्वेश्चन लंबा है लेकिन करने का प्रयास करें, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास 1000 की धनराशि निवेश करने के लिए है, इसमें से वह 4000 की धनराशि को पाँच, कुछ गड़बड़ दिया है क्या, 3500 धनराशि से धनराशि को किस ये सुनो, यहाँ पे आप 1000 नहीं होगा, अगर 1000 रुपये होगा तो 4000 की धनराशि कहाँ से जमा कर पाएगा, इसको आप 10000 कर लो। कितना कर लो, 10000। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको 10000 कर लो। अब ठीक है, 10000 रुपये की धनराशि निवेश करता है, मतलब करना चाह रहा है, जिसमें से 4000 की धनराशि 5% पे और 3500 की धनराशि इतने पे एक वर्ष के लिए जमा करता है, शेष जो बची होगी धनराशि उसको किस दर से जमा करे कि कुल धनराशि पर ब्याज उसे 500 मिले। करो, सोचो 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 कैसे होगा। देखो हम बता रहे हैं, समझना अच्छे से, ठीक है। एक व्यक्ति पास 10000 रुपये कुल हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसमें से कुछ धनराशि को किसी प्रतिशत पर जमा करता है प्लस, और किसी धनराशि को किसी प्रतिशत पर जमा करता है प्लस, और किसी धनराशि को किसी पे, तो इससे जो ब्याज मिलेगा और इससे जो ब्याज मिलेगा और इससे जो ब्याज मिलेगा, इन तीनों का जो ब्याज आएगा वो कितना कह रहा है, 500 मिले। क्या कह रहा है, 500। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इसमें लगा दो PRT/100, इसमें लगा दो PRT/100 और इसमें लगा दो PRT/100, बराबर सबके जोड़ में क्या आ जाएगा, 500। बस इतना करना है, करने का प्रयास करो, वरना फिर हम बताते हैं, एक मिनट का समय देंगे। चलो हम बता देते हैं, अगर ये हम 23 बता देंगे तो 24 आपका दायित्व हो जाएगा, आपको करने का, चलेगा हम बताते हैं। देखो चलो भाई हम बताएंगे, ये 10000 है यहाँ पे, ठीक, इसको सही कर लीजिएगा आप, मैंने फिर कहो भैया ये तो गड़बड़ है, 10000 है यहाँ पे। चलो देखो, 10000 रुपये की धनराशि 4000 की राशि 5% पर एक वर्ष के लिए जमा कर रहा है, तो 4000 की धनराशि 5% पर 1000 पर, तो इसका कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ ब्याज, तो ब्याज I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना भी निकल गया है वो कितना होना चाहिए हमारा, 500 होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो I1 बराबर कितने निकलेगा, पहली धनराशि से, पहली धनराशि कितनी है 4000, आर कितना है हमारा 5% एक वर्ष के लिए, यानी कि इतना बटे 100, ये हो गया हमारा आई। दूसरा क्या दिया, 3500 रुपये 4% पर, तो 3500 4% पर, एक का तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, शेष कितना बचेगा, अरे भैया 10000 टोटल थे, 4000 आपके ए हो गए, 3500 आपके ए हो गए, बचे कितने होंगे, तो 7500 हो गए, बचे होंगे कितने, 2500। अरे 10000 में से ये दोनों घटा दिए ना, 4000 और 3500, ठीक है 2500 बचे होंगे। अब वो कह रहा है किस दर पर, तो इसकी आर निकालनी है, बटे में 100, और इन तीनों का ब्याज किसके बराबर है, 500 के बराबर, बस काटा पीटी कर दो। क्या करना है, काटा पीटी करते हैं भैया, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कट गए, इसे सॉल्व करो, तो 40 और 5 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस, 35 का 4 में गुणा करोगे 140 प्लस 25 आर बराबर कितना दिया था, 500। ए प्लस का है, ए प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, करते हैं, तो 500 में से 200 का 300 और 300 में से 140 का है, तो कितने बच जाएंगे, 160 और 25 आर था, क्या था, 25 आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 बटे 25। देख लेना कहीं पर कैलकुलेशन तो एरर नहीं है, बाकी अप्रोच आपका यही रहेगा, इसको आपको काटना पड़ेगा तो 5 से काट दीजिए, जैसे भी आपको काटना पड़े, समझ में आया। कुल ब्याज पता था हम लोगों को 500 है, तो पहली राशि से जो ब्याज मिलेगा, दूसरी से और तीसरी से, तीनों का सम्मिलित ब्याज ही तो 500 होगा, वही हमने कॉन्सेप्ट रख दिया इसमें, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, आशा करते हैं चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 करने की कोशिश करें, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 किया, हटाते हैं इसको, करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति के पास, समझ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति के पास 16000 की धनराशि जमा करने के लिए है, इसमें वो 8000 की धनराशि को 10% की दर से तथा 5000 की धनराशि को 8% की दर से एक वर्ष के लिए जमा करता है, बची हुई धनराशि को किस दर से जमा करे कि कुल राशि पर 1500 रुपये उसे ब्याज मिले, कितना मिले, 1500 रुपये, करते हैं चलो, पहले से ब्याज निकालेंगे, तो 8000 रुपये की राशि, 8000 रुपये की राशि 10% पर कितने समय के लिए, एक वर्ष के लिए की, ठीक है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस दूसरी क्या, 5000 की धनराशि 8% पर एक ही वर्ष के लिए जमा की,
तीसरा जो शेष धनराशि है, तो देखो 8,000 ए थी आपकी और 5,000 ए थी, तो 8 5 कितना होगा 13, 16,000 टोटल थी, तो 16 में से 13 कटेंगे, बचेंगे कितने 3,000 गुणे रेट पता नहीं है आर बटे 100, कुल राशि है 1,500 रुपये, इसका टोटल ब्याज मिलना चाहिए इसको। काटापीटी कर दो, कुछ नहीं है, काटापीटी करते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 कट गया भैया। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0, 1 0 यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0, तीनों की 1 0, तो यहाँ पे से भी 1 0 हटा सकते हो, कॉमन अगर आप लोगे तो ऐसे कटते हैं, ठीक है। और देखो अब करते हैं, तो 8 × 10 करोगे 80 प्लस 8 × 5 में करोगे 40 प्लस 3 × r में 3 r बराबर 150, 40 और 80 कितने हो जाएंगे 120, 120 प्लस होंगे इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 120 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30 और यहाँ पे हो गया 3 r, 3 × है इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 10, यानी कि r बराबर हमारा क्या आ गया 10%, किस लिए? तीसरी राशि के ब्याज के लिए, ठीक है, समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आराम से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलेगा। टाइप 13 है, क्वेश्चन हो जाएगा 25 आप लोगों के सामने, करने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 25, नया टाइप है। 600 रुपये का 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपये है, तो ब्याज की दर बतानी है, क्या है? 400 वर्ष का 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो रहेगा उसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 180, तो बताना है। तो देखो पहला निकालोगे I1, दूसरा निकालोगे I2 और दोनों को जोड़ के करोगे कितना 180, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। करते हैं 600 रुपये का P, R पता नहीं है, T दिया है 4/100, ये हो गया I1 प्लस I2 क्या है उसी राशि पर, मतलब 600 रुपये, R दिया नहीं है, 2 वर्ष 2/100 और यही हमारा कितना दिया है, ये दिया हमारा 180। करते हैं 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ पे 6 4 24 R प्लस 6 2 12 R बराबर 180, 12 से काट दो, 12 से कट जाएगा, चलो काटते हैं, 12 2 24 12 1 12 और 12 1 12 12 5 60, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 r बराबर 15 और 3 से जब काट दोगे तो कितना r बराबर कितना आ जाएगा 5/7, आया समझ में? सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, देख लीजिएगा आराम से, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 करने की कोशिश करें। 4,000 रुपये की राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि के ऊपर 3 वर्षों का साधारण ब्याज मिलाकर इतना रुपए है, ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी, वो भी हम बता देंगे अभी, ठीक। देखो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना कि साधारण वर्ष प्रति वर्ष जो साधारण ब्याज रहता है वो प्रति वर्ष क्या रहता है, समान रहता है, समान। अगर 1 साल का होगा जितना साधारण ब्याज उसको कर लो आई, हम पूछें 5 वर्ष का तो 1 × 5 कर दोगे तो यह आ जाएगा 5 वर्षों का साधारण ब्याज। इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो, कैसे बताते हैं, पहले करते हैं जो अभी हमने आपको तरीका बताया है उसी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो समझना, 4 वर्षों का 4 वर्षों के लिए, तो 4,000 का 4 वर्षों के लिए आर पता नहीं है बटे 100 प्लस उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए, तो 4,000 का 3 वर्ष के लिए आर बटे में 100 कितना हो रहा है, दिया है 1680, 1680 काटो पीटो भैया, काटते हैं 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 40 4 160, 160 160 हो जाएगा, प्लस करोगे 4 3 12 120, 120 यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर बराबर 1680 काट दो, 1 0 1 0 1 0 काट दिया और 16 और इतने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 28 आर बराबर 168 और आर बराबर कितना हो जाएगा 168/28, काट सकते हो इसको, काटो भैया, ये हो जाएगा 8 4/14 और काटोगे तो 4 2/7 और 7 6 42, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 6%,
देखो ये तो हो गया हमारा पूरा लॉन्ग मेथड। ये मेथड हमेशा जीवन संजीवनी है, इसको अगर आपने लगा डाला जिंदगी में तो लाइफ जंगलाला हो जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्ट मेथड हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर बढ़ता है रेगुलर अनुपात में, तो देखो अब उससे करते हैं। तो देखो समझना बहुत अच्छे से, देखो 4000 की राशि है, 4000 की राशि 4 वर्ष के लिए यहाँ पे है और 3 वर्ष के लिए यहाँ पे। अगर हम कहें टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 4 और 3 कितने, 7 वर्ष। आर निकालना है, बटे में 100 बराबर कितना सीधा कर दो 1680। 1680 करने की कोशिश करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटो, इस तरफ काट दो 7 से ये काटोगे, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 24 ठीक है, तो क्या हो गया 7 दूनी 14 240 बटे 40 आर हो जाएगा यहाँ पे, 40 आर बराबर 240, 0 से 0 कट जाएगा और 4 से कटेगा 4 6 24, यहाँ से भी आपका आ गया 6%। आया समझ में, लॉन्ग करना हो लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट करना हो शॉर्ट कर सकते हो, अपने पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग हथियार हैं, जैसे जिसको मारना हो वैसे मार सकते हो। तलवार जहाँ चलवाना है तलवार चलाओ, जहाँ पे तीर कमान चलाना तीर निकालो कमान से, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। तो इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन है, ये आपके अगले सेशन में करवा दी जाएंगी, ठीक है, बनना लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करने का प्रयास करने, वरना फिर हम अगली क्लास में तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है, उसका तरीका। तो क्वेश्चन बोल दे रहे हैं एक बार, 500 की धनराशि 12% की साधारण ब्याज की दर से जमा की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% की दर से जमा की जाती है, 4 वर्ष बाद दोनों राशियों पर ब्याज मतलब संयुक्त रूप से जो ब्याज मिला है 480, तो दूसरी धनराशि क्या है। बहुत अच्छे से, पहले का जो इंटरेस्ट निकले प्लस दूसरे का जो इंटरेस्ट निकले, पहले का आपको पी दिया है, दूसरे का आपको P1 निकालना है, बराबर I दिया है कितना अपना 480, निकाल देना, रख देना वैल्यू, निकल के आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। अगर सेशन में मज़ा आया हो, समझ में आ रहा हो कि हाँ मैथ का डर खत्म हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ में जरूर साझा करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा टिक्का जहन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।